मेरा नाम रूबल नागी है, मैं मुंबई से आई हूँ लेकिन मैं पैदा जम्मू एंड कश्मीर में ही हुई थी। और हमारी फाउंडेशन है रूबल नागी आर्ट फाउंडेशन, जो कश्मीर के अलग अलग गांवों में काम कर रही है। हमारा मेन एम है बच्चों को आर्ट के माध्यम से स्कूलों तक पहुंचाना और अच्छी शिक्षा देना, और महिलाओं और युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा करना स्किलिंग के थ्रू। और आज हमारा जो ये इनिशिएटिव है इसका नाम है रूबल नागी आर्ट फाउंडेशन। सो मेरा नाम रूबल नागी है, मैं एक आर्टिस्ट और सोशल वर्कर हूँ और आज हम कश्मीर में हैं। एक्चुअली हमने ये हमारा जो इनिशिएटिव है रूबल नागी आर्ट फाउंडेशन का फूड इनिशिएटिव, हमने इसको नाम दिया है RNAF फूड इनिशिएटिव, जो देश भर में डिफरेंट स्टेट्स में चल रहा है। और हमने कश्मीर को चूज़ किया क्योंकि हमारी फाउंडेशन ऑलरेडी कश्मीर में बहुत काम कर रही है और यहाँ से हमें काफ़ी हमारे सेंटर से हमारे टीम वालों ने भी बहुत मैसेजेस भेजे कि मैम यहाँ पे कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़रूरत है इस समय राशन की, तो हमने डिसाइड किया कि हम कश्मीर में भी काफ़ी एरियाज में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। हमने कल से अपना ड्राइव शुरू किया, कल हमने 5 से 6 जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन किया और आज भी हम 7-8 जगह पे जाएंगे। कुल मिला के 2000 के ऊपर फैमिलीज़ हैं जो हम इन 2 दिनों में टच करेंगे और उन तक पहुंच पाएंगे। हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि हम उन लोगों तक पहुंचें जो सही मायने में ज़रूरतमंद हैं, जिनको ज़रूरत है। और क्योंकि हम ऑलरेडी गाँव में कश्मीर के बहुत सारे एरियाज़ में, सोपोर में, संग्रामा में, दांजी बच्चा में और भी बहुत सारी जगह पे काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए थोड़ा आसान था लोगों से कनेक्ट करना, उनकी तकलीफ़ों के बारे में जानना और उनसे पूछना कि आपको इस समय कोरोना काल में लॉकडाउन में किस चीज़ की ज़रूरत है। जब सेकेंड लॉकडाउन शुरू हुआ था तब हमने रूबल नागी आर्ट फाउंडेशन चाइल्ड कोविड केयर सेंटर से शुरुआत की थी, क्योंकि बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनके दोनों माँ बाप कोविड पॉजिटिव हो गए थे और उनके घर में जो बच्चे हैं उनके पास कहीं रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी और बच्चे मेंटली बहुत सफ़र कर रहे थे। तो जब हमें हमारी टीम ने जो स्लम्स में काम करती है, जो गाँव में काम करती है देश भर में, उन्होंने फीडबैक दिया कि मैम ये सबसे बड़ा जो है इस समय इशू आगे आ रहा है बच्चों का, उसके लिए क्या किया जाए, तो हमने हमारी बालवाड़ीज़ को डे के सेंटर में कन्वर्ट किया। उसके बाद हमने ये फूड इनिशिएटिव को लॉन्च किया जो आज हम जिसके लिए कश्मीर में हैं, कल से हमने इसको शुरू किया था। हमारी कोशिश यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस कोविड के टफ टाइम पे पहुंच सके, उनकी मदद कर सके, और ये तभी पॉसिबल होगा जब हम मिल के एक साथ काम करेंगे। मैं हमेशा कहती हूँ टुगेदर वी कैन, वी स्टैंड यूनाइटेड, हम एक साथ मिलके काम करेंगे, एक साथ अपने लोगों तक पहुंच पाएंगे, तभी उनके बीच रह के ही हम उनकी तकलीफ़ों को जान पाएंगे। तो इसलिए मैं पर्सनली जहां पे भी जो भी इनिशिएटिव होते हैं मैं पर्सनली उसमें जाती हूं, लोगों से मिलती हूं, उनसे बात करती हूं, और आज हम यहां पे हैं राशन डिस्ट्रीब्यूशन। कश्मीर में नहीं, बहुत सारे और भी हमारे राज्य हैं जिनमें है, लेकिन मेरा हमेशा ये मानना है कि क्या हम ये कहें कि अनएम्प्लॉयमेंट है और हाथ पे हाथ धर के बैठे रहें, या हम ये बोलें कि अनएम्प्लॉयमेंट है और चलिए हम उसको फाइट करने के लिए, उससे ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं। इसलिए जब मैं मार्च में यहाँ आई थी, मैंने हमारी फाउंडेशन ने दिसंबर में यहाँ से काम कश्मीर में काम शुरू किया था और मार्च में हमने यहाँ पे 6 स्किल सेंटर्स की ओपनिंग की थी। उनमें से कुछ लड़कियाँ आज आई भी हुई हैं मिलने के लिए, कल भी आई हुई थी। लॉकडाउन का टाइम है तो ज़्यादा मोबिलिटी नहीं है और सेफ भी नहीं है, तो हमारा ये मानना है कि महिलाओं के साथ साथ हम अपने युवाओं को भी सक्षम करें। आत्मनिर्भरता सही मायने में तभी आती है जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं। आज मैं एक घर की बेटी हूं और घर में कुछ 2 पैसे लेके जाऊंगी तो ही मैं अपने घर को सपोर्ट कर सकती हूं। तो हमारे स्किल सेंटर्स के थ्रू हमारा यही एम रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फाइनेंशियल